तो ये पेट्रोसिस और ओपिंग कप जो है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है यानी दिस इज कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज बैसिलस पेट्रोसिस और बोर्डिक्टे बोर्डिक्टेला पेट्रोसिस पेरेटोसिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है उसका जो इन्फेक्शन ऑफ कॉज हो जाता है दैट इज थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट एंड ड्रॉपलेट इंफेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है कोल्ड हो जाता है कफ हो जाता है एंड माइल्ड फीवर इन बिगिनिंग लीडिंग टू अकोमेशन ऑफ म्यूकस एंड इंस्पायरेटरी ऊप अब उसके अंदर वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है उसका वैक्सीनेशन किया कैसे किया जाता है दैट इज द वैक्सीनेशन विथ डीपीटी डीपीटी यानी डिप्टेरिया पिट्रोसिस पेटोसिस टिटैनास एंड यूज्ड ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स लाइक इरिथ्रोमाइसिन क्लोरोमफेनिकॉल एंड एम्फेसिलिन ये उसके अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं फिर टिटेनस टिटेनस बोले तो लॉक जाय डिस धनु स्तंभा बोलते हैं उसको अब ये किससे कॉज किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम क्लोस्टिडियम टिटेनी क्लास्टिडियम टिटेनि नाम की बैक्टीरियम रहती है उसके थ्रू वो कॉज किया जाता है अब इसका इंफेक्शन कैसे हो जाता है तो इसका इन्फेक्शन हो जाता है ऑकर थ्रू द स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया इंटरिंग इन टू द बॉडी वायानी जख्म जो हो जाते हैं उसके थ्रू बॉडी के अंदर चले जाते हैं एक्सीडेंट्स एंड अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कोई शार्प मटेरियल वगैरह जो रहता है उसके थ्रू हो जाता है एज दिस बैक्टीरियम सिक्रेट्स टिटानोस्पेन टॉक्सिन और इट इज कैरेक्टराइज बाय मस्कुलर रेजिडिटी जिसको लॉक जा ऐसे बोला जाता है एंड पेनफुल मस्कुलर स्पैजम मस्कुलर स्पेजम हो जाता है इन्फेक्शन ऑफ एटीएस एटीएस का मीनिंग है एंटी टेटानस सीरम विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ इंजुरी लीड्स टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस डिसीज उसके बाद में आता है नेक्स्ट टाइप ऑप्टिटाइनस के बाद में नेक्स्ट डिशीज आता है दैट इज कॉल्ड एज कॉलरा विब्रियो कॉलरी नाम की बैक्टीरियम रहती है जिसके थ्रू ये डिसीज कॉज हो जाता है और स्प्रेड किया जाता है थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर और बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इट इज कैरेक्टराइज बाय एफर्टलेस वाटर इज टूल ओमेटिंग, रैपिड डिहाइड्रेशन मस्कुलर क्रैम्प्स और ये ट्रीट किया जाता है बाय यूज ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन एंड सैनिटेशन ओ आर एस कंटेन ओ आर एस उसके अंदर प्रेजेंट रहता है 1.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 3.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड 2.9 ग्राम ऑफ के सी एल एंड ट्वेल्व पॉइंट नाइन ग्राम ऑफ ट्राई सोडियम सीटरेट ये को ट्रीट करने वाले ओ आर एस रहता है देन डायोरिया डायोरिया किससे कॉज किया जाता है तो इट इज कॉज्डोनिया सालोनेला टाइफिमोरियम, उसको सालमोनेलिस बोला जाता है एंड uh, दूसरा एक बैक्टीरियम है दैट इज शिगेला शिगी सिगेलोसिस बोला जाता है अभी जो डायोरिया रहता है दैट इज स्प्रेड थ्रू द

ड पैराटाइफाइड फीवर एंड फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल विथ म्यूकस ब्लड एंड अबडोमिनल क्रैम्प अब उसके सिम्टम्स रहते हैं ओरल एंड इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ओरल बोले तो माउथ के थ्रू ओ आर एस देना उसको भी एंड इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन इंजेक्शन के थ्रू उसको ये किया जाता है वाटर बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाता है तो उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड डायोरिया उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज निमोनिया अब ये जो रहता है दैट इज मेनली कॉज ड्यू टू डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम रहती है एंड इट ट्रांसमिट थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और उसके जो सिम्टम्स रहते हैं उसमें सडन चील हो जाती है यानी ठंड लगना शुरू कर देती है चेस्ट पेन हो जाता है कफ आता है विथ रस्टी म्यूकॉर्ड स्पूटम एंड राइज इन टेम्परेचर टेम्परेचर में राइज हो जाता है थेम इन टेट्रासाइक्लिन एंड पेनीसिलिन एन से एंटीबायोटिक के थ्रू क्या किया जाता है ये डिसीज की किया जा सकता है देर्न आता है साइफिलिस ये कॉज किया जाता है दैट इज ट्रिपेनोमा पैलिडम या उसको स्पोरोचिटी बोला जाता है ये ट्रांसमिट होता है थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट एंड फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रन एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है नहीं तो दूसरा मेथड है या दूसरा वे है मदर को अगर डिसीज है तो वो चिल्ड्रन के अंदर ट्रांसमिट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कॉमन सिम्टम्स आर पेनलेस अल्सर ऑन द जेनिटेल्स एंड स्वेलिंग ऑफ लोकल लिम्फ ग्लैंड रैशेस आ जाते हैं बॉडी के ऊपर हेयर लॉस हो जाता है स्वलन पॉइंट्स रहते हैं एंड फ्लू लाइक इलनेस रहता है उसके अंदर अब ये जो डिसीज रहता है इज क्यूरेबल थ्रू द अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स अगर प्रॉपर एंटीबायोटिक दिए तो उसके थ्रू क्यूरेबल हो सकता है जैसे उसमें आता है पीनीसिलिन एंड्रेट्रासन गोनोरिया इट इज कॉज्ड बैसेरिया गोणोरी और डिप्लोकोकस गोणरी एक तो नाइसरिय गोनोरी से, से वो कॉज किया जाता है एंड इट स्प्रेड थ्रू द कांटेक्ट वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड हो जाता है कॉमन टॉयलेट्स एंड अंडर क्लॉथ बैक्टीरियम ल्यूज इन जेनिटल ट्यूब्स प्रोड्यूसेस पॉस कंटेनिंग डिस्चार्ज पेन अराउंड जेनेटेलिया एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन या मैक्चुरेशन बोलते हैं उसको यूज ऑफ एंटीबायोटिक अब उसमें कौन से कौन से एंटीबायोटिक यूज हो जाते हैं तो एंटीबायोटिक लाइक पेनीसेलिन एम्फीसीन

नेक्स्ट जो डिसीज आता है दैट इज कॉल्ड एज प्लेग और ब्यूबैनिक प्लेग या उसको ही बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक डेथ ये डिसीज़ कॉज किया जाता है बैक्टीरिया की वजह से दैट इज पर्सिनिया पेस्टिस और पॉस्टूरेला पेस्टिस ये स्प्रेड हो जाता है रैट फ्ली के थ्रू ट्रा, ट्रांसफर हो जाता है जिसको जिनोफाइला चोपीस बोला जाता है टू ह्यूमन बींग्स अब उसके जो सिम्टम्स रहते हैं सिम्टम्स आर आर्म पीट एंड ग्रोइंग स्वेल अप इनटू पेनफुल डिब आई फीवर रहता है चील रहता है निथन लगता है, एग्जुस्टेशन एंड ब्लीडिंग हो जाती है टर्न्स ब्लैक। बाद में जो डिसऑर्डर्स कॉज किए जाते हैं उसकी जो ट्रीटमेंट रहती है दैट इज एंटीप्लग वैक्सीन स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर किलिंग ऑफ रैड्स एंड वाइसन स्टेन टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस डिस डिसीज का डायग्नोसिस करने के लिए उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है फिर नेक्स्ट आता है दैट इज टाइफ सलमोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया में रहती है उसके वजह से वो कॉज किया जाता है स्प्रेड हो जाता है, थ्रू फूड मिल्क एंड वाटर कंटेमिनेटेड विथ इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज आइदर डायरेक्टली और थ्रू द हाउस फ्लाइज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो वाटर के थ्रू फूड के थ्रू या लिक्विड जो फूड रहता है मिल्क उसके थ्रू वो ट्रांसफर किया जाता है अब ये डिसीज जब इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज एक पर्सन का दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में चला जाता है तब हो जाता है या थ्रू द हाउस फ्लाइज हाउस फ्लाइज के थ्रू हो जाता है अब उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं तो उसमें हाई फीवर रहता है हाई फीवर इन स्टेप्स पीरियडिकली फीवर आते रहता है लेजेंस एंड अल्सरोजेंस एंड अल्सरेशन इन द इंटेस्टाइनल वॉल आर कॉमन सिम्टम्स इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं अल्सर्स बोले तो ऐसे छोटे छोटे इंजरीज हो जाते हैं इंटरनली तो ये उसका कॉमन कैरेक्टर है यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक एम्फिसिन एंड क्लोरम प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस डिसीजेस इसमें टेस्ट आ जाते हैं, द नेम ऑफ कॉल्ड एज विडल टेस्ट ज परफॉर्म्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस ये डिशीज का डायग्नोसिस करने के लिए एक टेस्ट यूटिलाइज की जाती है वो टेस्ट को बोला जाता है विडाल टेस्ट बोला जाता है उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज ऑफ लेप्रोसी लेप्रोसी को क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एस हेन्संस डिज इट इज कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम बैक्टेरियम नाम की बैक्टेरियम रहती है उसके थ्रू वो कॉज किया जाता है इट डज नॉट स्प्रेड बाय इनिशियल कॉन्टैक्ट बट प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर कॉन्टैक्ट विथ स्किन लेजेंस नेसल एंड थ्रोट डिस्चार्ज ऑल्सो स्प्रेड दिस डिसीज नोज के थ्रू ये डिस्चार्ज हो जाता है या स्पूटम के थ्रू वो डिस्चार्ज हो जाता है अब उसके लिए क्या मेंटेन करना पड़ता है सैनिटेशन एंड यूज ऑफ सुटेबल ड्रग्स लाइक डैपसोन रिफामीसिन एंड एंडला मोगरा कोलमोग्रा ऑयल along with surgery may protect from the disease. Bacterium can enter into the body and discharge body and can damage nose, skin, lymph nodes, eyes, nose, mouth, larynx. मसल्स स्प्लीन ऐसे ऑर्गन को क्या कर देता है डैमेज करवा देता है तो अपियरेंस ऑफ स्किन पैचेस नमनेस इन सम बॉडी पार्ट्स, फीवर फाइनली अल्सर नोडल्स, लेजेंस, लेजें डिफार्मेटेटिस इन फिंगर टोस एंड वास्टिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर द सिमटम्स ये लेप्रेसी के अलग अलग क्या रहते हैं सिम्टम्स रहते हैं और लास्ट बैक्टीरियल डिसीज आता है दैट इज कॉल्ड एज बोटोलिजम इट इज कॉज्ड बाय क्लोस्टिडियम बोटोलिनम अब उसके सिम्टम्स हैं Double vision, blurred vision, dropping eyelids to remove the source of toxin producing. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रॉपर एंटीबायोटिक्स सीरीज यूज तो ये इतने जो डिसीजेस हो गए आर अबाउट बैक्टीरियल डिसीजेस ये बैक्टीरिया की वजह से कॉज होने वाले अलग अलग टाइप ऑफ डिस हैं उसमें ट्यूबरक्यूलैसेस बोले तो टीबी आता है डिप्टेरिया आता है पेरिटुसिस यानी ऊपिंग कप आता है टिटेनस यानी लॉक जा डिसीज आता है कॉलर आता है डायरिया निमोनिया साइफिलिस गोनोरी प्लेग एबिबाइनिक प्लेग ब्लैक डेथ बोलते हैं उसको है टाइफाइड लेप्रोसी हेंसन डिसीज और ब्यूटोलिज्म ऐसे ये अलग अलग टाइप के डिसीजेस आ जाते हैं तो दिस इज अबाउट बैक्टीरियल डिसीजेस ये बैक्टीरियल डिस के बारे में हो गया अब नेक्स्ट है वायरल डिसीजेस कौन से रहते हैं हेलमेंस के डिसजेस कौन से रहते हैं हेलमेंस बोले तो अपना आ, 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 के अंदर आ जाता है फिर प्रोटोजोन के डिसीज कौन से रहते हैं फंगल डिसीज कौन से रहते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या रहते हैं और उसके लिए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन कैसे करना चाहिए ये हम कमिंग पीरियड के अंदर स्टडी करेंगे आज सिर्फ बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में ध्यान में रखो ठीक है बाकी का जो पढ़ेंगे दैट इज रिमेनिंग इन नेक्स्ट लेक्चर आप लोग एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर पाओगे कुछ दिनों तक